पुल का एक ऐसा पोलिंग बूथ भी है जिसे इंद्रधनुष के रंगों की तरह सजाया गया है। बाहर से देखने पर यह ऐसा लगता है जैसे किसी शादी समारोह का पंडाल हो, मगर यह एक पोलिंग बूथ ही है। ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए मोटिवेट करने के लिए यह पहल की गई है। नागपुर के इस पोलिंग बूथ से हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख की एक खास रिपोर्ट देखिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पोलिंग बूथ जो है इसे सजाया गया है, और ये किसी शादी के पंडाल से कम नहीं लग रहा है। जो रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई हैं, जो रंग बिरंगे फूल लगाए गए हैं, और बेहद ही खूबसूरत ये पोलिंग बूथ बनाया गया है। और ये इस चीज को मोटिवेट करने के लिए किया गया है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनको मतदान के लिए ये मोटिवेट करेगा। इस वक्त हम नागपुर में एक वोटिंग सेंटर के बाहर हैं। लोकसभा के फर्स्ट फेज के चुनाव 2024 के महाराष्ट्र में हो रहे हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं रेनबो थीम जो है नागपुर के एक वोटिंग सेंटर में ये दी गई है, और इसीलिए हम लोग यहां पर पहुंचे हैं प्रशासन से जानने के लिए कि क्यों इस कलर का आप कह सकते हैं ये वोटिंग बूथ को थीम दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पर इनिशिएटिव लिया है, एलजीबीटी कलर सिग्निफाई ये रेनबो आप कह सकते हैं कि कर रहे हैं, और एक तरह से 26 वोटर्स हैं उनके लिए भी एक स्पेशल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है ताकि उनको मोटिवेट किया जाए वोटिंग के लिए। जो यहाँ पर अरेंजमेंट की गई है उस आपको अच्छा लगा ये देख के? मोटिवेट होंगे लोग वोट करने के लिए? और जी काफी मोटिवेट होंगे, मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे लगता है कि नागपुर में पहली बार ऐसा किया गया है कि खासकर ट्रांसजेंडर्स को देखते हुए, उनकी सोच को सोचते हुए फुल एक रेनबो का ये सेट तैयार किया गया हुआ है, जो कि दर्शाता है कि LGBTQI+ को दर्शाता है, एक रेनबो है। तो काफी उत्साह है ट्रांसजेंडर के प्रति यहाँ पर आके वोट करने के लिए। तो थैंक यू। तो आप कह सकते हैं कि नागपुर में और बाकी जगह पर अलग अलग थीम्स इस तरह से ली गई है ताकि वोटर्स को, हर तबके के वोटर को मोटिवेट किया जा सके वोटिंग करने के लिए। कैमरा पर्सन वैभव कनगुड़कर के साथ नागपुर में मुस्तफा शेख। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सुबह से ही जबलपुर के मतदान केंद्र में लोगों की कतार लगनी शुरू हो गई है। हर उम्र के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। कोशिश लोगों की यही है कि इससे पहले के दिन चढ़े, गर्मी बढ़े, वो पहले मतदान केंद्रों पर आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर लें। और अगर आप देखें तो लंबी कतार जबलपुर के इस पोलिंग सेंटर पर आपको दिख जाएगी। जबलपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि जबलपुर महाकौशल के द्वार के रूप में भी जाना जाता है, एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। करीब 18 लाख से ज्यादा वोटर जो हैं वो जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में है। कुल 6 सीटों पे मतदान होना है, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, शहडोल और सीधी।